हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गेट मोर इनफो यूट्यूब चैनल राजस्थान सेट 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट किसी भी स्टेट से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड नो अपर एज लिमिट कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो सो so, जो नोटिफिकेशन है सेट एग्जामिनेशन ये असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर बनने के लिए ये हुआ है काफी लंबे टाइम के बाद ये नोटिफिकेशन आया है आठ से नौ साल बाद राजस्थान में राजस्थान सेट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है काफी मांग की गई थी सेट एग्जामिनेशन की और एक लंबे टाइम के बाद आया है सो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हो या सेट में इंटरेस्टेड हैं आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं क्योंकि प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरशिप के लिए दो तरह के एग्जाम होते हैं एक तो आप यूजीसी के द्वारा जो नेट एग्जाम लिया जाता है वो होता है जो साल में दो बार कंडक्ट कराया जाता है और सेट एग्जामिनेशन जो राजस्थान के थ्रू है ये यहाँ पर आपको स्टेट लेवल पर रहता है लेकिन अप्लाई आप कहीं से भी कर सकते हैं लेकिन जो सेट की वैलिडिटी रहेगी वो आपकी राजस्थान स्टेट के लिए रहेगी ओके सो चलिए हम देख लेते हैं इसका नोटिफिकेशन सो so, ये यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन है आप देख रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन फॉलोइंग सब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं केमिकल साइंस कॉमर्स कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन अर्थ साइंस इकोनॉमिक एजुकेशन इंग्लिश एनवायरमेंटल साइंस जियोग्राफी हिंदी हिस्ट्री होम साइंस लॉ लाइफ साइंस मैनेजमेंट मैथामेटिकल साइंस म्यूजिक एंड फिलोसॉफी फिजिकल एजुकेशन फ़िजिकल साइंस पॉलिटिकल साइंस पॉलिशन स्टडीज़ एंड साइकोलॉजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन राजस्थानी संस्कृत ये लैंग्वेज में रहेगा सोशोलॉजी उर्दू विजल आर्ट्स अब यहाँ पर जो पॉपुलेशन स्टडीज़ का दिया है इसमें दिया गया है कि जो पॉपुलेशन स्टडीज़ सब्जेक्ट है उसके लिए अगर आपने मास्टर डिग्री इन जियोग्राफी किया हुआ है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ओके okay? सो so, यहाँ पर कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी तो जनरल अनरिजर्व एंड जनरल ईडब्लू एस कैंडिडेट हुए परसेंट मार्क्स आपके होना चाहिए मास्टर डिग्री में तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं एंड द अदर बैकवर्ड क्लासेज ओबीसी से आप बिलोंग करते हैं नॉन क्रीमिलियर्स एस सी एस टी कैंडिडेट है पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट हैं या थर्ड जेंडर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं

ओके okay? uh, यहाँ पर दिया गया एलिजिबिलिटी ओनली आफ्टर दे हैव पास दे मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद्टी फाइव परसेंट मार्क्स दिया गया है इसके बाद है कैंडिडेट बिलॉन्गिंग टू द थर्ड जेंडर कैटेगरी टू ड्रॉ द सेम रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया कैंडिडेट आर रिक्वेयर टू अपेयर सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ऑनली ठीक है जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन हो इसके अलावा इन्होंने भी यहाँ पर क्लियर किया है कि इनकेस द सब्जेक्ट ऑफ कैंडिडेट इज नॉट इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ सेट अभी हमने ऊपर जो सब्जेक्ट्स देखे हैं अगर आपने उनमें से किसी भी सब्जेक्ट से अगर पी जी नहीं किया है वो सभी सब्जेक्ट में से तो आपके लिए यूजीसी के द्वारा भी यू जी सी नेट और सी एस आई आर नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है जो की साल में दो बार कंडक्ट कराया जाता है तो आप इस एग्जामिनेशन के थ्रू भी असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप इसको भी क्लियर कर लेते हैं सो so, दोनों ही कंडीशन है आप सेट करना चाहें जो सब्जेक्ट हैं अगर आप उसमें है तो आप राजस्थान सेट के लिए अप्लाई कर दीजिए और अगर आप चाहें तो यूजीसी नेट के थ्रू भी आप कर सकते हैं वैलिडिटी तो यहां पर द सेट सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर द पोस्ट पर्टिकुलर स्टेट ओनली एंड फॉरएवर ये सिर्फ राजस्थान स्टेट के लिए रहेगा वैलिडिटी रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर मेड 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 फ्रॉम एमंग द सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट बाई यूनिवर्सिटीज कॉलेज रिक्रूटमेंट प्रिस्क्राइब्ड ओके सो ये सिर्फ राजस्थान स्टेट के लिए रहेगा स्कीम ऑफ टेस्ट क्या रहेगा तो पैटर्न यहाँ पर दिया गया है टू पेपर आपके रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप रहेगा एंड यहां पर दो पेपर में एक आपका हंड्रेड मार्क्स का है सेकंड आपका टू मार्क्स का नंबर ऑफ क्वेश्चन तो यहाँ पर फर्स्ट में फिफ्टी क्वेश्चन रहेंगे सेकंड में हंड्रेड क्वेश्चन रहेंगे तीन घंटे की टाइमिंग इसमें दी जाएगी द क्वेश्चन इन पेपर फोर्ट इन टेंड ऑफ एस एस द टीचिंग research aptitude of the candidate and this is based on the subject selected और second जो paper रहेगा वो आपका जो subject है उससे related रहेगा okay इसके बाद यहाँ पर medium वगैरह दिया गया है the medium of question paper shall be English और Hindi English और Hindi में से दोनों में ही आप exam दे सकते हैं in case of any तो यहाँ पर आपकी जो conditions बताई है कि in case of any the translation construction of the question in the exam English version shall be treated the final in the decision of university shall be final okay

एस सी यहाँ पर जनरल एस बी सी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए पंद्रह सौ रुपए रहेगी ई डब्ल्यू एस एस बी सी ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट जो राजस्थान स्टेट के हैं उनके लिए है ये बारह सौ एंड एस सी एस टी ऑफ राजस्थान स्टेट ऑल दी एच कैंडिडेट उनके लिए है सात सौ पचास पर जो फर्स्ट है यानी अदर स्टेट से आप अप्लाई करते हैं तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आउट ऑफ स्टेट यहाँ पर दिया गया है पंद्रह सौ रुपए एप्लीकेशन फीस रहेगी सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म तो यहाँ पर बारह जनवरी आज से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं लास्ट डेट ग्यारह फरवरी दो रहेगी डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका मार्च में होगा उन्नीस मार्च दो हजार तेईस को आपका एग्जामिनेशन होगा यह रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट वेबसाइट आप इसकी पर जाकर के इसका डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा ओके सो so अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो आप इनमें से जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं अगर इनमें से आपने किया हुआ है पीजी या आप कर रहे हैं अपियरिंग है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा थैंक यू